तो दोस्तों ये मैं YouTube ओपन कर लिया क्रोम में। तो दोस्तों अपने करना क्या है, अपने जो चैनल है उस पर जाना है, योर चैनल पे, ठीक है ना। ये जो कॉर्नर पे बना है ना चैनल, ये लिखा है योर चैनल, इस पर अपने क्लिक कर देना है, ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन है YouTube स्टूडियो, इस पर क्लिक करना है आपने दोस्तों। जब ये ओपन होगा ना तो हमारी जो सेटिंग वगैरह वो आएगी, उस पर आपको मैं सारा ओके जी भाई जान जी, ये ओपन हो चुका है, ठीक हो गया दोस्तों। आपने जो ये देखा होगा, ये सेटिंग का निशान बना हुआ है, ठीक हो गया। इस सेटिंग के निशान पे आपने ना क्लिक कर देना है। ये अभी हमारी सेटिंग ओपन हो जाएगी। यार मैं बड़ा यार आपसे माफ़ी चाहता हूँ ना, स्पीड कम के लिए, नेट की स्पीड कम है मेरी दोस्तों। अब आपने ये दूसरे पे ऑप्शन है जनरल, ये सॉरी जनरल, पहले नंबर पे ऑप्शन है जनरल, इस पे क्लिक कर देना आपने। सॉरी सर, दूसरे पे चैनल पे क्लिक करना है, ठीक हो गया दोस्तों। चैनल पे क्लिक करने के बाद इधर एक और बात बताऊँ जी, लिखे ना कीवर्ड्स, इधर आप अपने चैनल के कीवर्ड्स आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ताकि जब भी कोई आपका चैनल सर्च करे तो वो सब पे टॉप पे आए। उसके बाद दोस्तों अब कैसे ऐड करना है सब्सक्राइबर, ये एडवांस सेटिंग, इस पे क्लिक करना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये पूछ रहा है भी क्या आपका चैनल बच्चों के लिए है, इसमें कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें, जी हाँ जी नहीं, जो भी आप दिल करें, जैसा आपका चैनल है दोस्तों। तो ये लिखा है सब्सक्राइबर काउंट, ये टिक लगा है, यानी कि आपके सब्सक्राइबर यहाँ शो होते हैं। अगर आप इस टिक को ऑफ करके यहाँ से सेटिंग को सेव कर दें तो दोस्तों आपके जो सब्सक्राइबर है वो हाइड हो जाएंगे, और जब आप दोबारा इसे अनहाइड करना हो तो यहीं से आगे आप अनहाइड कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाल्लाह दोस्तों आप भी और मैं भी इंशाल्लाह अच्छे यूट्यूबर बनेंगे। अल्लाह हाफिज़।